और इस बीच दुर्ग से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दुर्ग में एसीबी ईओडब्ल्यू का एक्शन देखने को मिल रहा है। सराफा व्यापारियों के निवास और दुकानों पर रेड पड़ी है। सहेली और अलंकार ज्वेलर्स की दुकान निवास पर छानबीन की जा रही है। शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी पूछताछ हो रही है सहेली और अलंकार ज्वेलर्स के मालिकों से, क्योंकि माना जा रहा है कि शराब घोटाले में और साथ ही महादेव सट्टा ऐप मामले में इनकी संलिप्तता है, और इसी को लेकर महादेव सट्टा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जा रही है। दुर्ग में एसीबी और ईओडब्ल्यू का एक्शन देखने को मिल रहा है। इस एक्शन के बाद हड़कंप मचा है दुर्ग में, क्योंकि बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है। संवाददाता मनिंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनेंद्र, एक तरफ एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है, क्या जानकारी सामने आ रही है छापेमारी को लेकर? देखिए, कल जिस तरह से विजय भाटिया और जो पप्पू ढिल्लन है उनके निवास पर कल ईडी ने कार्रवाई, ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की थी। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद आज फिर से सुबह जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम जो है जो सराफा व्यापारी है उनके निवासों पर पहुंची। सराफा व्यापारी है बता दूं प्रकाश पाखला और सुनील जैन है उसके निवास पर पहुंची है और उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पहुंची है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं दुकान, वहां पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चल रही है और ईओडब्ल्यू पूछताछ कर रहे हैं, उनके सारे स्टॉक चेक कर रहे हैं और सारे जो लेन देन के कागजात है वो चेक कर रहे हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं उनको शक है कि जो शराब के घोटाले के मामले में कथित शराब घोटाला है या फिर जो महादेव सट्टा ऐप है, ऐसे पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है। इस तक को लेकर लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं और जहां छानबीन कर रहे हैं। इससे पहले भी ईडी और आईटी की टीम ने प्रकाश पाखला के महावीर कॉलोनी दुर्ग में और सहेली ज्वेलर्स के दुर्ग के प्रतिष्ठानों में छानबीन की कार्रवाई की थी, लेकिन इसके बाद ये तीसरी से चौथी बार अब जो है अब एफआईआर दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू में ईओडब्ल्यू की टीम अब छानबीन कर रही है। एक बड़ा मामला दुर्ग। लेकिन मनेंद्र, अगर छानबीन के बीच अगर हम बात करें, ऐसे कोई दस्तावेज जिस तरह से पूरी संलिप्तता सामने आ रही है, किस तरह की संलिप्तता मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया, क्या पड़ताल की जा रही, कितने घंटे हो गए हैं और कब तक माना जाए कि छापेमारी चलती रहेगी? देखिए, इस मामले में थोड़ा सा मैं आपको बैक ले जाना चाहूंगा, क्योंकि ईडी ने जब महादेव सट्टा ऐप में एफआईआर दर्ज किया था, अपराध दर्ज किया था, उसके बाद छानबीन की थी, तो जो प्रकाश पाखला है दुर्ग के और जो अन्य जो व्यापारी हैं और जो बिल्डर्स हैं उनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई की गई थी, तो कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता थी, इसलिए छानबीन को आगे बढ़ाया गया और इस तक मामला पहुंचा है। और अब जाकर कहीं फिर से संलिप्तता पाई गई है, कुछ दस्तावेज उस समय जब्त किए गए थे और अब भी दस्तावेज जब्त करने की बात सामने आ रही, लेकिन फिलहाल अभी पूछताछ हो रही है, शुरुआती दौर है, सुबह से ही टीम पहुंची हुई है। अब देखना होगा कि कब तक ये कार्रवाई चलती है। पप्पू ढिल्लन को पेश किया गया चालान वहाँ कोर्ट में, उसके बाद फिर कार्रवाई खत्म हो गई उनके यहाँ, आज भी जो है कार्रवाई लंबी चलेगी ये सामने नजर आ रही बात। ठीक है मनेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।